जय जगन्नाथ। ओडिशा 365 चैनल को आपण मानु स्वागत। ओडिशा 365 आज ओडिया मानकर प्रत्येक घरे घरे सुपरिचित एवं निश्चित भाव में ए चैनल जरिया रे ओडिया भाषा ओडिया संस्कृति ओडिया परंपरार उत्थान हेबो तो संदेहर अवकाश नाही। ए परिप्रेक्षी रे आज आमर गप जेते माठियु माठे रेलवे गोटे कर्मचारी थिले नाँ हूँ आप्पा राव जे टीपी पदवी रे निजुक्त होइथिले। टीपी माने ट्रेन पोर्टर। आम देखिथिबा स्टेशन रे रेलगाड़ी आसिले तार गार्ड पाखु जिबा ता पार्सल खोलिबा सर्वोपरि आवश्यक पड़े पत्रिका देखेबा ए सब काम रे नियोजित थांती। एई भाव रे आप्पा राव को निजुक्ति होइथिला गोटे स्टेशन रे ताकि ननपड़ा ननपड़ा स्टेशन रे निजुक्ति पाइबा से कार्य करे से स्टेशन रे वैशिष्ट्य हला से स्टेशन रु प्रतिदिन काजू गो बस्ता बाहर को जाए फलतः ट्रेन रे जो पार्सल डबा थाए से पार्सल डबारे सबुदिन निर्दिष्ट एक ट्रेन रे काजू बस्ता लोड हुए से जाए। आपार किंतु निष्पत्ति नहीं काजू बस्ता लोड करने हेले प्रति बस्ता पिछा टाटे नपाइले लोड करेबे तार कारण हूँ पार्सल भैन जब आगे रही जाए हुए तो लोडिंग नईपा गाड़ी रही रहणी समय मतलब लोडिंग करने तो टिपिंग भूमिका मुख्य लोडिंग सरला चाबी गाड़ हाथ गला गाड़ी छाड़े तेणु यह सत्य माल लोडिंग होवार तार भूमिका थाए तेणु जो कंट्राक्टर प्रतिदिन काजू बस्ता बाहर को पठाती से पैसा देखा बाध्य हूँ। यही भाव किद गला दिने से स्टेशन को तनखी करने रेलवे बड़ अधिकारी डीसीएस डिविजनल कमर्शियल मैनेजर वाणिज्यिक प्रबंधक कहुए से आसते से आसी आलोचना प्रसंगे सब विषय शुणु शुणु आपार विषय तो शुणा पाइले बस्ता पिछा टाटे के नौ रेलवे तो इंग्रेज शासन ढांचार चली भारी कड़ा शासन अफिसर माने भारी सचेतन एणु से तुरंत जाकि आपार और बदली करदे अन्य गोटे स्टेशन को जो स्टेशन नाम हूँ काशीपुर आपार बदली होगा आपार काशीपुर स्टेशन पहुँचिले किंतु अधिकारी मैंने यही भाव बदली करते जो जो जगह माल बुकिंग माल बुकिंग से पैसा नौ जो माल बुकिंग नैसा कमी नब एणु गोटे स्टेशन निजुक्ति है जोटी माल बुकिंग ना आपार किद कम पर देखिले मंगलवार और शनिवार दिन बहुत लोक स्टेशन एपटू सेपट को जाड़ी चढ़ीकर घटनाटी है से ग्रामवासी ग्राम मुंडे रेल लाइन जा गाँ मुंडे स्टेशन है कि स्टेशन आरपटे गोटे विराट पड़िया रही जो पड़िया साप्ताहिक हाट से ग्रामवासी तरफ रू होए आपार जापरला जो शनिवार मंगलवार एत लोक जा दिने कौन कला जे आपार से गेटा को चाबी पकईदेला ग्रामवासी मैंने खबर पाइले गेट चाबी पड़ी आज पचारे कहे गेट कहीं चाबी पकईच आपार भी जुक्ति ठीक ये कत बाप का सीढ़ी है क्या रेलवे बनाया पैसेंजर के लिए तुम क्यों जाएगा लोक मैंने हिंदी शुणापुर आउट डरी डरी गले से कहले बोध हुए किसी असुविधा हे तेणु ग्रामवासी मैंने आसी आपार सहित समझौता कले प्रति हाटपाड़ी को पैसा दिजिव से अभोग करेंगे नहीं एवं लोक मैंने अनुआस जावास करेंगे। यही भाव में किसी दिन जावापर दिने से गाँव किसी युवक एक कथा डीसीएस को दरखास्त कर जनइले डीसीएस आसी पहुँचिले डीसीएस पहुँचला पर शुणिले जे ये एमती सीढ़ी उपर पैसा नौ तेणु डीसीएस सिद्धांत ने एक एभली एक जगह पोस्टिंग करा जीवो, जो जगार माल बुकिंग नी रेलवे सीढ़ी मध्य कारण सीढ़ी थी पैसा आदाय कर ग्रामवासी मैंने तो नियम अनुसार प्लाटफर्म टिकेट नक रेलवे हता भितर पशा विधि नुहे एणु से ग्रामवासी मैंने बुझीगले आपार जहाँ कौन भूल कहूनी एणु से सहित समझौता करते कि यह एक संभव कथ नुहे कारण ग्रामवासी मैंने निश्चित भाव में बहु वर्ष धरी चली आसु से अभोग कले जे आमको यही भाव में प्रति सप्ताह पैसा दवा पड़ी ना सीढ़ी मिलूना सीढ़ी जीवाई अनुमति मिलूना रेल करतृपक्ष बाध्य
आपार बदली करदे एभली जगह बदली कले जो जगह सीढ़ी नथिबो माल बुकिंग नथिबो जिनिष बुकिंग नथिबो सीढ़ी नथिबो जगह से पहुँची गले से स्टेशन ना पद्मपुर से पद्मपुर स्टेशन पहुँचला पर देखिले कौन करे आपार गोटे अभ्यास अच्छी किसी पैसा उपरी पैसा दरकार निहाती जो सरकारी कर्मचारी उपरी पैसा पाई से निश्चित भाव से उपरी पैसा पचार सन्देहर अवकाश ना जो पाई से कुछ छाड़ से चिंता कले सीढ़ी भी ना बुकिंग भी ना कर कौन यही भाव में किसी दिन कार्य कलापर देखला रेल लाइन दाढ़े अनेक गाई गोर चलुं दिने सिद्धांत नाला ये गाई मान जो चरुँच एम को आनी मुसाफिरखाना अटक रख से हिं कला गाई तो गोर जिते चलुले रेल लाइन दाढ़े समस्त को आनी मुसाफिरखाना भर्ती कला ग्रामवासी मैं खबर पहुँचला जे गाई मान भर्ती कर ग्रामवासी मैंने आसिले आपार पचारे कहीं चाई पकई कहीं गाई को अटक रखी आपार जुक्ति अकाट्य रेल धारणा दाढ़े रेलवाई जो घास लगे तार माटी को संरक्षण करने तुम्हें गाई मान को दे गाई मैंने खाइले निश्चित भाव ता दुर्बल हो माटी झड़िकी रेल लाइन दुर्बल हे अंपक्ष गाई मैंने रेल लाइन ऊपर चढ़ी जा द्वारा दुर्घटना घटू अशेष क्षति होलवाई जो घास लगे रेलवाई जगह गाई चरवा विधि नुहे एणु गाई मैंने चरी पारे ना तुम्हें अटक रखी ग्रामवासी मैंने मुंडे हाथ दे करे कौन गाँव से गाई गोर आम रखीचु कुंडा चोकड़े आणवु कौटू बाध्य समझौता कले आम गाई पिछा पैसा देवु अवश्य आपार भल लोक से मत घोषणा कले षंड बाछुरी भी फ्री केवल गाई बलद को भी पैसा निजी से न्याय प्रति गाई पिछा दर निर्धारण करपार मन खुशी से पैसा पाइले डीसीएस द्वारा आसिले ये से गाँव रोटे दरखास्त कला रेलवाई को जे आम ये एक्सप्रेस रही पारना एक छोटिया स्टेशन आम गाँव अनेक पिला बांगालोर हैदराबाद काम करती से प्रतिदिन आसी पुणी खोर्धा रोड जाऊँ अगर पैसेंजर ट्रेन में फेर समय जाऊँगी अर्थ भी जाऊँच लगेज नवा आड़बार पिला हईराण होती एक निर्दिष्ट गाड़ी ये रहणी करने ग्रामवासी दरखास्त कले डीसीएस अधिकारी मैंने सब आसिले तदंत कले आपार को देखिले सब पचरा पचरी कले अनुभव कले प्रकृत ये एक्सप्रेस रहणी आवश्यकता रही ग्रामवासी मैंने आलोचना करने भितर से ग्राँव जो युवक कहू कहू कहीदेला आमको गाई जो चरुँच से मुझे टंका नौ रेलवाई विशेषकर असुंदर कथा सुंदर कथा नुहे गाई चरुँ घास खाऊ गाई से रेलवाई पैसा नब यह के आईनसंगत नुहे कि आम दौ केमी दौ ना आम आपार दौ आपार कहे रेलवाई अर्डर कर ठीक अच्छे से कौन करेंगे मुंडे हाथ दे भल लोकटा जो गला या कला बुकिंग रे पैसा नला सीढ़ी गले पैसा नला एवं कौन कला ना चार गाई गोर जो चरुँच पैसा आदाय कला चिंतार पड़ा रेल करते चिंतार पड़े तर मीट बसला जे एभली जगह तो बदली करवा जो जगह चारण भूमि नीढ़ी नाल पर सुविधा नखागला जे सेंट्रल रेलवे तरफ गोटे आम रेलवे तर भारत आ गोआ को रेल चलने एक सर्भे काम आरंभ हो तुरंत आपार को डेपुटेसन पठे दिगला सेंट्रल रेलवे सर्वे डिवीजन को बर्तमान आपार हो गले सर्वे डिवीजन कर्मचारी तांकर पोस्टिंग है गोआरे से किसी कम ना रेलवे केवल सर्वे चली गोटे लोक आउ किसी अफिसर मैं सांगे था प्रतिदिन से जाती मापचुप कर संध्या फेरी आसती सप्ताह को दुई दिन सर्वे हे दुई दिन कार्य हे और गोटे दिन हेड अफिस सहित आलोचना हे यही भाव से पांच दिन सप्ताह काम करती गोटे दिन रेस्ट पाती आपार से रे देखे से किसी नहीं पूरा सुखा ना ये चारण भूमि अच्छी ना सीढ़ी अच्छी ना माल पर अच्छी आपार चिंतार पड़े ये कौन कर तेनाली मुंड को बुद्धि जुटला कहीं जो सरकारी कर्मचारी मैंने लाच नवर अभ्यास थाए बा लाचखोर होता से लाच के भी निजी तर पंथा मत निर्धारण कर दिखती आपार कौन कले समुद्र ने जो जहाज गुड़ी जाऊला देखिले जहाज सब जावास कर बड़ नाली गामुछाटे धरी समुद्र कूल उड़ेले जहाज देखला कूल गोटे नाली गामुछा उड़ू तुरंत जहाज आस कूल लगला आज पचारा कौन पर उड़ाऊ से कहला नो नहीं बंद कर जापरि
ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆଇଡେଣ୍ଟି କାର୍ଡ଼ ଦେଖାଇଦେଲା ସର୍ଭେ ଷ୍ଟାଫ୍ ସର୍ଭେରେ ଡେପୁଟି ହେଇଛି ସେ ଜାହାଜର ଯିଏ ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟରେ ଯାଇଥିଲେ ପଚାରେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା ନା ଆମର ସର୍ଭେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ତୁମେ ଜାହାଜ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ଦିନବେଳେ ଜାହାଜ ବାଟେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଆମେ ସର୍ଭେ କଲାବେଳେ ଏଇ ବାଟରେ ରାସ୍ତା ରାସ୍ତାରେ ଜାହାଜ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ରାସ୍ତା ଯଦି ଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ସର୍ଭେ ଗୋଳମାଳ ହେବ ଏବେଠୁ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାହାଜ ଅଟକିଲା ଜାହାଜର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଚିନ୍ତା କଲେ ଯଦି ଆମେ ବୁଲିକି ଯିବୁ ଆମର ସମୟ ଯିବ ତେଲ ଯିବ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ବି ହେବ କାରଣ ଅନେକ ବର୍ଷ ହେଲା ସେଇ ବାଟ ଦେଇ ଜାହାଜ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛି ତେଣୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଆପାର ସହିତ ସମଝୋତା କଲେ ଯେ ପ୍ରତି ଜାହାଜ ପିଛା ତୁମେ ତୁମର ପାଉଣା ନେଇଯିବ ତୁମେ ଆଉ ଆମକୁ କିଛି ଅଟକେଇବ ନାହିଁ ତା ହିଁ ହେଲା ଜାହାଜ ଗଲା ଆପାରାଓ ବି ଖୁସି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ତେବେ ଆପାରାଓ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ଥିଲେ ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀମାନେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ଡିଭିଜନରୁ ଆସିଥିଲେ ସେମାନେ ଆପାରାଓ ପାଖରେ ଅଧିକ ପଇସା ଦେଖି ସନ୍ଦେହ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଆପାରାଓ ମଧ୍ୟ ମଝିରେ ମଝିରେ ସମସ୍ତେ ଭୋଜି କରି ଦେଇ ଖାଇବାକୁ ଦେଲା ତା ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କର୍ମଚାରୀ କୌଣସି ପ୍ରକାର ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଜଣାଇଦେଲେ ଯେ ଏଭଳି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି ଏଠି ବୋଲି ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଆସିଲେ ତଦନ୍ତ କଲେ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କର ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଗଲା ଯାହା ତ ଭାରତ ଭିତରେ ହେଉଥିଲା ହେଉଥିଲା ମାନେ ବିଦେଶୀ ଜାହାଜମାନେ ଜାଣିବେ ଯେ ଆମେ ଜାହାଜରେ ଗଲାବେଳେ ଭାରତରେ ଆମକୁ ଟୋଲ୍ ଫିସ୍ ଭଳି ଆମକୁ ପଇସା ଦେବାକୁ କହୁଛି ତେଣୁ ତଦନ୍ତ କଲେ ତଦନ୍ତ କରିସାରିଲା ପରେ ଜାଣିପାରିଲେ ଆକୁ ଆଉ କିଛି କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ ଏଣୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ପୁଣି ଆଦେଶ କଲେ ହେ ଆପାର ତୁମେ ସେଇ ଷ୍ଟେସନ ଚାଲିଯାଅ ଯେଉଁଠି ମାଲ୍ ଲୋଡ଼ିଂ ହେଉଛି ମାଲ୍ ଲୋଡ଼ିଂରେ ତ ପଇସା ନେଲେ ଚଳିବ କିନ୍ତୁ ଆଉ ଯାହା ସବୁ କରିଛ ଏହାଦ୍ୱାରା ରେଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦେଶ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମ୍ମାନ ହାନି ହେବ ଏଣୁ ଆପାରାଓକୁ ସେଠାରେ ଫେରାଇ ଆଣିଲେ ଏଣୁ ଯେଉଁମାନେ ଲାଞ୍ଚ ନିଅନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଦୁର୍ନୀତି କରନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରକୃତି କେବେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏହା ଏଥିରୁ ଆମେ ଏତିକି ଶିଖିଲେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।